एक बार पुरजोर तालियों की हिलोर के साथ स्वागत अभिनंदन करें। राजस्थान का शेर हमारे बीच में आ चुका है। छत्तीसगढ़ राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर। रविंद्र सिंह जी आगे बढ़े। सभी से निवेदन रहेगा कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। एक बार सभी से निवेदन रहा कि व्यवस्था में सहयोग बनावे। एक बार सभी अपने स्थान पर विराज जावे। हमारे बीच में चौकराम से 20 गाड़ियों का काफिला लेकर हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लालाराम जी सरपंच साहब फादरेस हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देवी सिंह जी बूढ़ीवाड़ा, गणपत सिंह गोलिया 50 गाड़ियों के काफिले के साथ हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इनके अलावा राजकुमार जी खायाल पत्रा हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नरेश जी कछवा पूर्व छात्र संघ महासचिव पीजी महाविद्यालय बालोत्रा भी हमारे पास में बता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भैया एक बात आपसे निवेदन रहेगा, अपने अपने जगह पर बैठ जाए, अपने अपने जगह पर बिराज जाए, कृपया व्यवस्था में सहयोग बनावे। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, भोटा खान जी सरपंच महाबा, भोटा खान जी सरपंच महाबा मंच पर पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करवावे। भोटा खान जी एक बार सब नारा लगाएंगे, 36 गांव का एक ही नारो, 36 गांव का एक ही नारो, 36 गांव का एक ही नारा, रविंदर सिंह घाटी तुम संघर्ष करो, रविंदर सिंह घाटी तुम संघर्ष करो। आगे की कड़ी में फोटागंज से निवेदन रहेगा, मंच पे पधारे गांव अनंतरा और कालब खां गांव तिबनियार से पधारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन सर मंडल। पूनाराम जी गुडू सर सरपंच, मैं निवेदन करूंगा कि वो और 10 गांवों में किसी की पेट होती थी वैसे कि किसी भी समाज के व्यक्ति की इज्जत होती थी, वही पार्टी आज भी हमारे सामने है, लेकिन उसमें उस कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है जो उसके लिए भागता है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक झुनझुना पकड़ के घूमने वाला व्यक्ति है। उसको कह दे पीछे खड़ा हो जा तो वहां खड़ा होना पड़ेगा, उसको कह दे उठ तो उसको उठना पड़ेगा, उसको कहेगा बैठ तो बैठना पड़ेगा। मेहरबानी सिर्फ आप और हमारी है जो हम उनको वोट दे रहे हैं।